अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक 2020 को तत्काल पूरे धार जिले में लागू करने हेतु जैस संगठन द्वारा एक ज्ञापन धार कलेक्टर के नाम से SDM कार्यालय दिया गया। आगे की जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता प्रवीण कुमार सोलंकी की खास रिपोर्ट पर। ये ज्ञापन मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक 2020 को लेकर दिया गया है। ये ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को संबोधित होकर द्वारा अनुभागीय अधिकारी महोदय कुक्सी के माध्यम से दिया गया है, जो मैंने प्राप्त किया है। प्राप्त ज्ञापन मूलतः ही श्रीमान अनुभागीय अधिकारी की ओर आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा। जो भी निर्णय लिया जाना है माननीय SDM महोदय को लिया जाना है। आज का ज्ञापन यहाँ पर कुक्सी तहसील जो अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ की निसरपुर ब्लॉक के ग्राम चंदनखेड़ी नवपाटी डेहर के आसपास के जो ग्रामीण जन है, जो आदिवासी लोग हैं, उनको साहूकारों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। जबकि 21 सितंबर 2020 से ऋण विमुक्ति अधिनियम अनुसूचित जनजाति के लिए लागू कर दिया गया संपूर्ण मध्य प्रदेश में, जिसका पालन हर जिले में हो रहा है, हर अनुसूचित क्षेत्र में हो रहा है। लेकिन धार जिला भी अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर साहूकारों द्वारा आए दिन आदिवासी लोगों को, ग्रामीण जनों को डरा धमकाया जा रहा था कि आप पैसे नहीं देंगे तो आपकी ज़मीनें छीन ली जाएगी, आपको पैसा देना ही होगा। जबकि उस कानून विधेयक में स्पष्ट लिखा है कि जो भी ऋण 15 अगस्त 2020 से पहले का है वह सब शून्य हो जाएगा। तो उसी संबंध में आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं।